गाइस मैं हूं अमित और स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और न्यू व्लॉग वीडियो में। तो गाइस अभी हम लोग फिर से एक बेहतरीन कंटेंट लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे फिर से हम आ चुके हैं एक ऐसे जगह पे जहां पे बिल्कुल सन्नाटा है, सुनसान बिल्डिंगें, बंद दरवाजे, सुनसान कमरा, बिल्कुल इंसानों से कोई दूर दूर तक उस बिल्डिंग का लेना देना नहीं। तो हम लोग आज फिर से एक बार एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सामने बिल्डिंग को, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से वीरान और खाली है, और आपको दिखाएंगे इसके अंदर का मंजर कैसा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग वीडियो में, लेट्स गो। तो हम लोग चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं चल के। डर तो लग रहा है लेकिन हम फिर भी आपके लिए इस कंटेंट को बना रहे हैं, तो आपका भी पूरा सपोर्ट चाहिए होगा गाइस, लेट्स गो। तो दोस्तों साथ ही साथ आज हम कुछ करने वाले हैं खास, ये देखिए, ये है गोस्ट डिटेक्टर, जो कि हमारे आसपास होने वाली एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करेगा और बताएगा अगर कुछ भी गड़बड़ होता है। तो चलो सबसे पहले हम चलने वाले हैं इस रूम के अंदर, और इसका हम सेंसर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मच्छर है, बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो है मच्छरों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बाथरूम होगा, कभी इस्तेमाल किया जाता होगा, जो भी लोग यहाँ पे रहते होंगे। फिलहाल ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा है। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लाइटिंग वगैरह अभी तो फिलहाल कट चुकी है, और इसके अंदर ये एक रूम है आप देख सकते हैं, इधर दिखा वीरान है, कोई भी यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे हम मच्छरों का छत्ता भी लगा हुआ है जिसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए, शांति से हम यहाँ से वापस निकल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रूम भी है, और ये शायद से किचन रहा एक टाइम पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर दिखाना जरा कैमरा में। यहाँ पे पहले के टाइम पे लोग रहते होंगे तो खुला मचल रहा है। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये जंगल है जस्ट, और कोई भी नहीं है यहाँ। तो अब हम इसके ऊपर चलेंगे और ऊपर का सीन दिखाएंगे, वहाँ का क्या मंजर है। तो काफ़ी सन्नाटा भरा ये मंजर है यहाँ का, इसके अंदर का ये देखिए, यहाँ पे मच्छरों से। अब हम है इसकी दूसरी छोर पे, अब हमें इसके दूसरे साइड में, उधर साइड दिखा दो, उधर से घूम के आए हम लोग। ठीक है, ये इसका दूसरा साइड का चालू गाइस, और ये हमारा डिटेक्टर भी चालू है। और सुभान भाई ला मोबाइल अभी हम चल रहे, आप देख सकते हैं इसलिए भाई यहीं दिखाता भाई आराम से। कोई इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। कभी टाइम पे लोग यहाँ रहते होंगे पूरी फैमिली के साथ में, और ये कोई छोटा सा क्वार्टर नहीं है, एक तरीके से काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और इसके ऊपर भी दो मंजिल बनी हुई है, तो हम वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसकी दूसरी मंजिल पर, आप देख सकते हैं इसके नीचे दिखा देना ज़रा शिवान भाई, ये इसकी दूसरी छोर है। और यहाँ के कमरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, देखते हैं यहाँ का क्या डिटेक्टर क्या मंजर है। हाँ, हमारा डिटेक्टर भी ऑन है, अगर ऐसा कुछ होता है कोई बताएगा। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे, दरवाज़ा बंद है, उस दिन बंद था, एक देखते हैं इसको खोलने की कोशिश करते हैं। आराम से बोलना भाई, बहुत दिन से बंद है, काफ़ी दिनों से बंद दरवाज़ा है, देख सकते हैं डिटेक्टर देख रहे हैं। देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ
सन्नाटा और वीरानता छाई हुई है, इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं है बिल्कुल भी। और भाई क्या चीज़ है यहाँ पे, ये बाथरूम है जो कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाता बिल्कुल, वीरान सा पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। ये रूम है भाई, ये इसके लाइट्स के वो हैं। चलो ठीक है, बाहर चलते हैं। तो हमने इसे जिस तरीके से खोला था उसे बंद ही कर देंगे। तो अब हम इसके दूसरी छोर आ चुके हैं। यहाँ देखना, यहाँ पे तो बिल्कुल पड़ा हुआ है, ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दरवाजे बिल्कुल जहाँ पे दरवाजों में जो है पूरी तरीके से। डिटेक्टर बंद करके मोबाइल रोकने तो हम आगे चले। हमें लाने लगा बस, चलो यहाँ पर आ रहे हैं, अभी आवाज़ आ रही है। चल पर तो गाइस यहाँ पे हमारे डिटेक्टर ने कोई एंटिटी को डिटेक्ट किया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेंगे और वहाँ पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये हमें यहीं कहीं आसपास ही दिखा रहा है इसके कमरे। ये देखिए सामने के साइड में अंदर कमरे में है भाई, कमरे इस रूम के अंदर हमें कोई एंटिटी डिटेक्टेड दिखा रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। तो चलते हैं फिर से इसके एक बार इस रूम के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो इस कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मोबाइल में दिखाने के कितना गया है, दिखाना डिटेक्टर जो है हमें यहीं पे दिखा रहा था सामने की साइड। साइड से वो लकड़ी रखी हुई है, मेरी हिम्मत पड़ रही है बिल्कुल भी इसके अंदर जाने। हमारे भाई जो है अंदर की साइड चल रही है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, इधर चल रहा है अंदर जाने। लाइट इधर लाइट नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है, यहीं पे हमारी रे डिटेक्टर दिखा रहा है। ये हमें तुम्हारे पीछे पीछे हमें पीछे इधर देखो, तुम्हारा गायब हो गया तो मैं जस्ट पीछे था। हमें यहाँ पे रुकना नहीं है बिल्कुल, मेरे को डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और बाहर आओ, आराम से लो, आराम से आराम से। तो भैया हमारा डिटेक्टर जो है बार बार वहीं का सिग्नल दे रहा है अभी भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही वहाँ और ज़्यादा रुकने की, तो हमें अब यहाँ के इसके ऊपरी परत के हिस्से पे चलना चाहिए और वहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए पेड़ भी बिल्कुल अजीब तरीके के हैं, मतलब थोड़ा सा चढ़े। हमारा जो डिटेक्टर है इसने फिर से एंटिटी डिटेक्ट किया है, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखा पाऊँ। अच्छा तो उधर साइड हमारे साइड पीछे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड पर हमें इस रूम के अंदर है, इस रूम के अंदर एंटिटी दिखा रूम के अंदर, और ये दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं गाइस, चले क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए इसको, देखना लेना है। रिस्क तो है लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे भाई, हिम्मत तो नहीं पड़ रही रहने दो, बाकी अगर ये खुल जाए तब तो ठीक है। ये दरवाज़ा बंद है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए और इसे ना बोलो भी नहीं चलना। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर और ऊपर दिखाते हैं चल के इसके ऊपरी हिस्से को, कितना ज़्यादा भयानक मंजर है यहाँ का। आप अगर असलियत में होते तो वाकई में डर जाते, फिर भी हम हिम्मत करके वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो हम लोग चल रहे हैं इसके ऊपरी हिस्से पे, देखते हैं यहाँ का मंजर कैसा है। फ्रेंड्स अभी हम इसके लास्ट फ्लोर पे यानी कि थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ की ज़मीन पूरी तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल धस चुकी है। और यहाँ पे अभी मेरे डिटेक्टर ने फिर से किसी एंटिटी को डिटेक्ट किया था इस साइड पर, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखा रहा लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। बाकी इधर का मंजर देखते हैं, देख भी नीचे क्या पड़ा है भाई, सब टूटा फूटा, ये ऊपर ऊपर देखना ही, देखो सब गिरने वाला है इधर। यहाँ पे पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होने को है एक तरीके से, गिरने वाला है। काफ़ी पहले यहाँ पे पता नहीं कितने लोग रहते होंगे और वो लोग गए, इसके लिए बनाया गया एक तरीके से ये क्वार्टर है जो कि आमतौर पर रहने के लिए दिया जाता है जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनके लिए। फिलहाल ये अभी पूरी तरीके से खाली और वीरान पड़ा है, पता नहीं यहाँ के लोग कहाँ चले गए और ये क्यों वीरान है। इसकी छतों को देखिए जरा आप, ये कुछ नॉर्मल छतों से बिल्कुल अलग छत है, पेड़ है इसमें, लाइट लाइट।
चीज खिला रहे हैं। छतें पूरी तरीके से अपने पेड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। छतों के ऊपर बहुत पूरी तरीके से पेड़ लग चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हमें कई जगह डर का एहसास भी हुआ। चलना भाई नीचे। अब हम लोग यहाँ से गाइस जा रहे हैं नीचे। चलो अब हम जल्दी 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 चलो भाई, साइड में जला ला एक। तो हम लोग यहाँ पे अभी थर्ड फ्लोर से फिर से सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे, जहाँ पे हमें एंटिटी डिटेक्ट हुई थी। और यहाँ पे आते ही हमारे सिग्नल ने फिर से जो है दिखाना चालू कर दिया है। हम यहाँ पे इसकी पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं ताकि आपको भी दिखा पाएं। अब की बार इस रूम के अंदर हमें एंटिटी डिटेक्ट हुआ है। पूरा का पूरा यहाँ पे जो डिटेक्टर है डिटेक्ट कर रहा है, और ये जो नीचे रडार चल रही है ये भी पूरी तरीके से हमें इस कमरे में दिखा रही है। इस कमरे में भाई तो यहाँ पे फिर से वो गायब हो गई, अभी जस्ट हमारे पीछे थी। तो अब हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोगों के लिए बना के जाएंगे, तो बात करके जाएंगे मुझसे। अब हमें यहाँ पे रुकने की मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी पड़ नहीं रही है। नहीं लेकिन दिखाना। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें सिग्नल दिखा रहा है, ये साइड ही अंदर इस रूम के अंदर है यार शिवांग भाई। आराम से आराम से देखना, आराम से बहुत दिनों से बंद पड़ा है। इस तरह सेंसर की रडार आ रही है, इस तरह दिखा रहा है। चलें चलो भाई, रिस्क हो सकता है यार, देखते हैं। रिस्क हो सकता है, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर। तो रहन दो, वो हमारे आगे पीछे हो रहा है बार बार। दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बंद करो दरवाजा, दरवाजे को खोलना सही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, कोई नहीं जानता उसके अंदर क्या। आप लोगों के लिए बात कराते हैं, देखते सिग्नल किधर मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं। इस कमरे में भी आया था रडार, तो आराम से लकड़ी पड़ी हुई है पैर पे लगी तो नहीं। इस सिग्नल में आया था पिछली बार शिवांग भाई, आराम से। अब यार मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही थी, तो हमारे दूसरे भाई साहब जो है फिलहाल यहीं पे आ रहा था पिछली बार ही आ रहा था। ए, चलो यार चलो नहीं, देखते यहाँ पे हम इससे बात भी कर सकते हैं। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा है। और कुछ पूछ के देखते हैं, शिबू नाम है इसका, पूछते हैं अच्छा होता है खराब होता है। भाई मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी है नहीं, अब यहाँ रुक लेगी इस साइड कोने में। आप देख सकते हैं यहाँ सामने दिखा रहा है, और यहाँ पर पूरी चादर लगी हुई है। चलो तो ये अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, इसके माइंड तो पर डिपेंड कि क्या कुछ भी कर सकता है। चलो चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए इस बिल्डिंग से। इस कमरे में है गाइस, ये बार बार रडार इधर की दिखा रहा है। देखिए आप कैमरे के देख सकते हैं इसके अंदर कहाँ गया, ये बार बार रडार यहाँ की दिखा रहा है, इस साइड की दिखा रहा है। अरे यार वो हवा की तरह होते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन इसी रूम में दिखा रहा है, फिर से एक बार चल के देखते हैं क्या। नहीं नहीं, रहन तो भाई, हमें छेड़ना नहीं चाहिए। ये रूम बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत दिनों से, और सिग्नल बार बार इधर ही का दिखा रहा है। और इधर से हो रहा धीरे धीरे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो बंदा तो भाई साहब, हम लोगों की फटके चार हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। बार बार इस सिग्नल, इस रूम में सिग्नल दिखा रहा है, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।